कौन है अरुण गोयल जो अचानक देश के नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए? वीआरएस लेते ही कैसे हुई नियुक्ति? अरुण गोयल को देश का नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, लेकिन उनकी नियुक्ति विवादों में आ गई है। उनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। चुनाव आयोग में सुधार और स्वायत्तता के मुद्दे पर चार दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। इस दौरान जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सी टी रवि कुमार, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने इस दौरान ये सवाल उठाया कि बिजली की तेजी से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों की गई है, 24 घंटे के भीतर ही नियुक्ति की सारी प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली गई और किस आधार पर कानून मंत्री ने चार नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसे गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को इस संबंध में लिखित दलीलें देने को कहा है, जो उन्हें अगले 5 दिनों के भीतर ही सौंपना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया जाए या नहीं। देश के नए चुनाव आयुक्त के तौर पर पदभार ग्रहण करने वाले अरुण गोयल 1985 बैच पंजाब कैडर के अधिकारी हैं। इन्हें लेकर कहा जाता है कि ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के साथ पैनल में शामिल हुए हैं। इसी साल मुख्य चुनाव आयुक्त रहे सुशील चंद्र के सेवामुक्त होने के बाद राजीव कुमार ने पदभार संभाला था। अब इसके बाद इस टीम में पंजाब के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को नियुक्ति दी गई है। इन्होंने अपने रिटायरमेंट से ठीक 40 दिन पहले वीआरएस या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। वे पिछले कई सालों से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। अरुण गोयल प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इससे पहले वे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में भी कार्य कर चुके हैं। आपको बता दें कि देश के चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल को उस समय नियुक्त किया गया है जब कुछ दिनों के बाद ही गुजरात में विधानसभा चुनाव जबकि उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। लिहाजा इस बात को लेकर विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि नए चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण गोयल गुरुवार तक सरकार में सचिव स्तर के एक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। अचानक उन्हें शुक्रवार को वीआरएस दे दिया गया और निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। इस पर न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि जहां तक उन्हें याद है, एक व्यक्ति को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने में 3 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में कोर्ट ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए 5 दिन में जवाब तलब किया है। लिहाजा इस मामले के और ज्यादा तूल पकड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।